हेलो कैडेट्स, वेलकम टू एडुमेंशन। और आज मैं आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। किसी बच्चे ने ये मेरे को डाउट भेजा था, सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे ने ही ये मेरे को डाउट भेजा था और किसी सैनिक स्कूल के बुक से भेजा था, इसीलिए मैं ये डाउट को ले रहा हूँ। वैसे ये डाउट जो है वो बहुत अच्छे लेवल का है, क्लास 7th-8th के लेवल का आप इसको मान सकते हो। तो इतना हार्ड क्वेश्चन भी सैनिक स्कूल नहीं पूछता है, लेकिन मैं इसको आपके इंपॉर्टेंट सीरीज में, सैनिक नवोदय और RMS की इंपॉर्टेंट सीरीज में क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है और जब आप चैलेंजिंग क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाओगे तो आपका ब्रेन डेवलप होगा। इसलिए तो मैं यही चाहूंगा कि ये पूरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कितने लोगों से खुद से बना और कितने लोगों को ये वीडियो देख करके समझ में आया। और अगर नहीं भी समझ में आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे लेवल का है। धीरे 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 दोबारा देखोगे कभी 2-4 महीने बाद तो फिर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने और सुरेश सर ने आपके लिए लॉन्च किया है फौजी बैच। अगर आपका ड्रीम है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना तो मैं और सुरेश सर आपको तैयारी कराएंगे फौजी बैच में, जिसमें हम लाइव भी आएंगे, डाउट क्लियर करेंगे, आपका पीरियोडिक टेस्ट लेंगे, आपका पूरा मॉड्यूल देंगे, आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देंगे, सब कुछ होगा। बच्चों को आने वाली एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम का हमने ध्यान रखा है यहाँ पर, और वो पूरे सॉल्यूशन आपको मात्र एक ही जगह फौजी बैच में मिलेंगे। सैंपल पेपर जो जो रिक्वायर्ड है, रिविजन, ठीक है, सारा आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इस फौजी बैच की कंप्लीट डिटेल आपको मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है फौजी बैच के कंप्लीट डिटेल की, उसको जरूर देखें, ठीक है, और फिर ये सॉल्यूशन को देखें। चलो, अगर आप चाहते हैं आपका भी डाउट मैं लूं और यहां पर वीडियो बना करके आपके सामने लेकर के आऊं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप मुझे वहां पर पोस्ट कर सकते हो। आप हमको कॉल भी कर सकते हो, फौजी बैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलो, तो जल्दी से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि नहीं। चलो बच्चों, ट्रेन इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन दौड़ रही है इतने स्पीड से। अब एक आदमी है, मैन ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन में जा रहा है एट 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आदमी भी एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में, लेकिन ट्रेन की रफ्तार ज्यादा है और आदमी की कम है ना, तो ऐसा होगा ना कि ट्रेन उसको ओवरटेक कर लेगी। वही बोला है, अगर ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है मैन को, इफ ट्रेन क्रॉसेस मैन इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड में आदमी को क्रॉस कर दे रही है ट्रेन, तो बताओ लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर यहां पर स्पीड ऑफ मैन नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता, आपके लेवल का होता, क्लास 5th के लेवल का होता। बट यहां पर क्या बोला कि आदमी भी चल रहा है ट्रेन, बट डोंट वरी, जब हम है तो क्या गम है। मैं इसी क्वेश्चन को आपके लिए एकदम सिंपलीफाई कर देता हूं, सिंपल। देखो, अगर मान लो ये आदमी नहीं चलता, ठीक है, मान लो कि ये आदमी नहीं चलता तो ट्रेन कब क्रॉस करती, जब ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाती, तो अपन बोलते ट्रेन क्रॉस कर गई है, बहुत आसान हो जाता, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वही डिस्टेंस हो जाता बाई टाइम इक्वल टू स्पीड, बहुत ईजी आ जाता। बट कहानी में ट्विस्ट है मेरे दोस्त, क्या हुआ देखो, अब क्या बोला, ट्रेन भी उधर जा रही है और ये आदमी भी उधर जा रहा है, ठीक है। ट्रेन किस स्पीड से ऊपर आगे जा रही है, 54 किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं क्या। चलो मीटर पर सेकंड में जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, 54 × 5/18, 5 × 3 = 15, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15। मैंने बताया ना, जब भी किलोमीटर पर आर हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, किसमें बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये एक्चुअल में ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, और आदमी की जो स्पीड है 18, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो 18 कट गया, सिंपल कितना है 5। तो मतलब आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब 40 सेकेंड में अब आदमी भी थोड़ा आगे चला जाएगा, है ना। मान लेते हैं कि आदमी यहां से उठ के यहां आ गया, अब आप कब बोलोगे कि ट्रेन आदमी को क्रॉस किया, जब ट्रेन यहां आ जाएगी तब ना। अगर आदमी नहीं चलता तो ट्रेन यहां से यहां आई, मतलब हम बोलते हैं कि ट्रेन क्रॉस कर गई, बट आदमी भी चला तो आदमी यहां से यहां आ गया, और ट्रेन क्रॉस कब करी, जब वो यहां से यहां। ये बात समझ में आई कि आदमी भी इधर चल रहा है, ट्रेन भी इधर चल रही है, ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, आदमी की है 5 मीटर पर सेकेंड, बात समझ में आई। तो अब मान लो कि आदमी ने चला इतना डिस्टेंस, तो ट्रेन कब क्रॉस करेगी, जब ट्रेन अपनी लेंथ तो चले प्लस ये लेंथ भी चले, आदमी की भी लेंथ चले, है ना, तब जाके अपन बोलेंगे कि वो जो ट्रेन है वो इस आदमी को क्रॉस करी। तो ये आदमी ने कितनी लेंथ चली, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, लेट मी फाइंड आउट। देखो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, स्पीड 5 × टाइम 40, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना 5 × टाइम कितना 40, 5 × 4 = 20, 200 मीटर। तो आदमी कितना चला, 200 मीटर। तो 40 सेकेंड में आदमी यहां से यहां 200 मीटर आगे आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे, जब ट्रेन कब क्रॉस किया, जब ट्रेन का एक एंड देखो, ट्रेन का ये एंड यहां से कहां चला, 200 मीटर ये चला और खुद की लेंथ चला। तो इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज एक्स, अगर अपन क्या मानते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज
x, तो ट्रेन टोटल कितना चली, 200 मीटर ये और x ये, तो टोटल जो ट्रेन चली वो कितना चली, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इज 200 प्लस x, क्लियर। बस यही समझना था कि इस बार आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, तो ट्रेन टोटल कितना डिस्टेंस चलेगी, अपनी लंबाई जो है वो तो चलेगी चलेगी, है ना, प्लस अगर किसी चीज को क्रॉस करना था तो, पर प्लस यहां पर क्या हुआ, आदमी खुद चला। तो आप देखना, एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था ना टनल वाला, वैसा ही कुछ हो गया कि लेंथ ऑफ टनल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। बस अब यहां पर लेंथ ऑफ टनल की जगह क्या दे दिया कि आदमी खुद चल रहा है, तो पहले आदमी कितना चला वो निकाल लिए, स्पीड इक्वल टू, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम की तो डिस्टेंस आ गया कि आदमी कितना चला 200, तो ट्रेन कितना चल रहा होगा 200 प्लस एक्स। अब टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम मालूम है, टोटल टाइम ट्रेन को क्रॉस करने में कितना लग रहा है 40 सेकेंड, और टोटल स्पीड कितनी है ट्रेन की 15, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये कर देते हैं जल्दी से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड है 15, सब ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड, 15 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेन कितना चली 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, और टोटल टाइम कितना लगी 40 सेकेंड, तो 40 को उधर ले जाते हैं, 40 इंटू 15 600 इज इक्वल टू 200 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 600 माइनस 200 400, अरे भैया यहाँ ये 200 प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में, ये 40 यहाँ डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो 40 इंटू 15 600 माइनस 200 इज 400, 400 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आदमी भी जा रहा है ट्रेन भी जा रही है, तो क्या मानना पहले कि आदमी कितना चला ये निकाल लो, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, अपनी लेंथ प्लस आदमी जितना चला, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन, दोनों को डिवाइड किए डिस्टेंस बाय टाइम को, ठीक है, दोनों डिस्टेंस बाय टाइम को डिवाइड किए, तो स्पीड, और स्पीड दी हुई है ट्रेन की कितनी 15, तो डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 400। आसान था, समझ में आया, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने लोगों को खुद से बन गया था, कितने लोगों को वीडियो देख के बाद बना, अगर फिर भी कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट वरी, थोड़े दिन बाद फिर से इस वीडियो को देखना, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आपका ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है, जैसे जैसे आप फौजी बैच पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, हम आपको गाइड करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ब्रेन डेवलप होते जाएगा।